कितना होगा? अगर डायोड रिवर्स बायस है तो आईजेड पता कौन सा करंट है? बोल डायोड में कितना करंट पास होगा? आईजेड हो जाएगा जीरो। सबसे पहले ये पता चल गया आपने को, ठीक है। और अब बताइए क्या सर्किट को सोल्व कर सकते हैं पूरा? बचा क्या? ये बचा कि नहीं बचा? क्या इस सर्किट में बाकी करंट निकाल सकता है क्या कोई? 250 ओम, 750 ओम, ये कितना था? 20। बोल क्या? हाँ, तो अपन रेक्टिफायर पढ़ रहे थे। रेक्टिफायर में फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा था। रेक्टिफायर का काम क्या होता है? रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को पल्स सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है ना। अब हमने बात की थी कि डीसी में कन्वर्ट करना, सिर्फ पल्सेस उसमें प्रेजेंट है, डीसी आपका जो पल्स सेटिंग डीसी है उस पल्सेस को स्मूथ करने का काम भी करना है। लेकिन अच्छा, उससे पहले हमने सिर्फ वो डेटा टेबल लिख लिया था ना, टेबल नहीं लिखा था। अच्छा, फुल वेव रेक्टिफायर हाफ कंप्लीट किया है। अच्छा चलो, अब एक बात डिस्कस करते हैं, सब लोग ध्यान से सुनिए। जैसे जो आपकी पल्स सेटिंग डीसी बनी है उसमें क्या है, अभी भी वेरिएशंस हैं। जो परफेक्ट डीसी जो होती है उसमें क्या होता है, वो एक कांस्टेंट वोल्टेज होती है। अगर कांस्टेंट वोल्टेज है, जैसे बैटरी 5 वोल्ट की बैटरी है, इसका मतलब वो हर समय आपको 5 वोल्ट प्रोवाइड करेगी, ये परफेक्ट डीसी है। तो बेसिकली जो आपकी पल्सेस हैं, इन पल्सेस के केस में आप क्या बोलेंगे, कितना वोल्टेज का आपको डीसी मिला, उसमें तो वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू, ठीक है, एवरेज वैल्यू। जैसे आप लोग एक नॉर्मल सा एग्जांपल भी है, यहाँ से आप दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली बाय कार अगर जा रहे हैं तो आप किसी को भी पूछे, कोई पूछता आपसे किस स्पीड से गए, तो बोलते हैं ना 80 की स्पीड से गए, 90 की स्पीड से गए, इस तरह से। तो क्या बीच में आप रुके नहीं, टोल टैक्स नहीं दिया, चाय नहीं पी गया, है ना? तो बीच में रुके भी है ना आप, और स्पीड का वेरिएशन डेफिनेटली हुआ होगा एक कौन सा। तो वो 80 की जो स्पीड है वो क्या है आपकी, एवरेज स्पीड। तो उसी तरह से जब भी कोई वेरिंग क्वांटिटीज होती है ना, तो उसके लिए हम एक एवरेज वैल्यू देते हैं। तो हम यहाँ पर उसकी एवरेज वैल्यू लिख रहे हैं, और एक टर्म एसी चैप्टर में आप पढ़ते हैं आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये दो वैल्यूज हमको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टेबल में अपने जो दो तरह के रेक्टिफायर्स थे, पैरामीटर्स, आपका एसी सिग्नल, आपका हाफ वेव रेक्टिफायर सिग्नल, फुल वेव रेक्टिफायर सिग्नल। अब इसमें पैरामीटर सबसे पहले की बात कर रहे हैं क्या, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू को ही हम डीसी वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है, एवरेज वैल्यू या डीसी वैल्यू। अब देखो सीधी सी बात है, एवरेज निकालने का एक फॉर्मूला होता है प्रॉपर, लेकिन ये जो एवरेज वैल्यू निकालने का मेथड है उसका मैं एक्सप्रेशन आपको फॉर्मूला तो लिख देता हूं, चलो ठीक है। लेकिन इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके एवरेज वैल्यूज निकालना आप एसी चैप्टर में करते हैं, मैं आपको रिमाइंड करवाता हूं। जैसे ये जो ब्रैकेट, क्या हो रहा है आवाज को, क्या प्रॉब्लम है, आ तो रही है, सही नहीं आ रही है, कैसी आ रही है, क्वालिटी सही नहीं है। अच्छा, फिर भी एक बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं है, मेरे हिसाब से आवाज आ तो रही है। अच्छा, अब ठीक है, अब ठीक है, एक सेकंड, इसका माइक का मो, हेलो, हाँ अब ठीक है, कुछ कुछ ठीक हुई नहीं हुई, अच्छा अब ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोशिश करो अच्छे से, ऐसे कोई इतनी खराब भी आवाज नहीं है, सही है ना, सही आ रही है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। सो चलिए, जो हमारे पास वेरिंग क्वांटिटीज है, जैसे हमको पता है यहाँ पर हमारा जो सिग्नल है वो एसी सिग्नल जैसा ही है, एयर एसी सिग्नल, अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल का आप दो पैरामीटर्स फाइंड किया करते हैं, एक इसका एवरेज वैल्यू और दूसरा इसका आरएमएस वैल्यू। मैं दोनों के फॉर्मूला लिख रहा हूँ, लेकिन हमें इन फॉर्मूलाज का यूज करके जो है वैल्यूज निकालने का मौका एसी चैप्टर में ही मिलेगा, क्योंकि इसको लग गए तो ये काफी इंटीग्रेशन करके निकालना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है। सो इंटीग्रेशन वी डी टी जीरो से टी डिवाइड बाय टी, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एवरेज ऑफ दिस सिग्नल इन फुल टाइम पीरियड, एक फुल साइकिल में, फुल जीरो से लेके टी तक की बात हो रही है। इस पूरे टी टाइम पीरियड में जो इसका एवरेज वैल्यू होगा वो हम निकाल सकते हैं। अब जरा एक बात बताइए, अगर आपका बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ा सा भी ठीक है, मुझे बता सकता है कोई कि इंटीग्रेशन वी डी टी, वी वोल्टेज है, वी टी
वीटी कर्व, इंटीग्रेशन वी डीटी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? इंटीग्रेशन वी डीटी सिग्निफिकेंट, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? कोई भी ग्राफ होता है वीटी, वीटी कर्व है, इंटीग्रेशन वी डीटी क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया। अब आपको समझ आ गया है ना, तो मैं बात कर रहा हूं ये जो लिखी हुई ऊपर क्वांटिटीज है, दिस इज द एरिया अंडर वीटी कर्व है या नहीं है? ये एरिया अंडर वीटी कर्व है डिवाइड बाय टाइम। तो यहां पर अगर मैं एक एसी सिग्नल का, आपको याद भी होगा, इस पूरे साइकिल के लिए अगर मैं बात करूं कितना एरिया है एरिया अंडर द कर्व, इस एसी सिग्नल का टी टाइम पीरियड में कितना एरिया है? जीरो एरिया है। तो इस केस में अगर फुल साइकिल का एवरेज बात करें, फुल साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ एसी सिग्नल की बात हो रही है, एसी सिग्नल यानी आपका जो ओरिजिनल सिग्नल था, हाफ वेव में आपने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कर दिया है, फुल वेव में आपने पूरी वेव का रेक्टिफिकेशन कर दिया है, तो यहां पर एवरेज वैल्यू में बात करें तो फुल साइकिल एवरेज कितना आना चाहिए? जीरो। यहां पर मैं ब्रैकेट में मेंशन करूंगा दिस इज फुल साइकिल एवरेज। तो इसलिए याद होगा अगर आपको, हम वहां पर पूरे साइकिल का नहीं करके आधे साइकिल का एवरेज निकाल लिया करते हैं। अब आधे साइकिल t बाय 2 तक क्या एरिया सिर्फ पॉजिटिव है? तो यहां जीरो तो नहीं आएगा। आप इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे, फॉर द हाफ साइकिल आप लिमिट चेंज करेंगे, जितने तक निकालना है, जीरो से t बाय 2, नीचे भी t बाय 2, और आप सोल्व करेंगे तो उसका एक्सप्रेशन रिजल्ट जो आता है वो आता है 2v0/π। v0 क्या चीज है? v0 क्या है पता है? इस सिग्नल का पीक वैल्यू, पीक वैल्यू जानते हैं, पीक वैल्यू या इसका एम्पलीट्यूड वी नोट, ठीक है। सो आपको ये वाला नंबर याद रखना पड़ेगा, 2v0/π, दिस इज फॉर हाफ साइकिल। ये तो हो गया इसका एवरेज वैल्यू। इसी से सेकंड है इसका RMS वैल्यू। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, उसके लिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, VRMS का जो फॉर्मूला होता है, रूट मीन स्क्वायर में हम पहले क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं, जो भी फंक्शन है उसका स्क्वायर कर दिया, फिर उसके बाद उसका क्या करते हैं, मीन मतलब एवरेज लेना, बिल्कुल जैसे इसमें किया इंटीग्रेशन। रूट मीन स्क्वायर में एवरेजिंग हमेशा जो है फुल साइकिल में ही की जाती है, ठीक है, उसमें कहीं हाफ साइकिल की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि आपने उस फंक्शन का स्क्वायर कर दिया, वो पॉजिटिव हो चुका है। ये हो गया इसका एवरेज मीन, फिर उसके बाद लास्ट में क्या कर देना है, रूट। तो ये फॉर्मूला हो सकता है आपने सुना हो, अगर एसी चैप्टर पढ़ा है कभी, तो उसमें रूट मीन स्क्वायर इस तरह से निकाला जाता है। अब यही एसी सिग्नल का आरएमएस वैल्यू अगर मैं बात करूं, तो वो वैल्यू डेफिनेटली आपको याद होगा v0/√2। सुना हुआ है कि नहीं सुना? v0/√2 पीक वैल्यू डिवाइड बाय √2 इज द आरएमएस ऑफ एनी साइनसोइडल एसी सिग्नल। तो ये जो दो वैल्यूज आई, ये आपके एसी चैप्टर में आप पढ़ते ही है। अब एक अच्छी बात यहां पर है, मुझे इन दोनों के लिए भी ये वैल्यूज लिखनी है, और फॉर्मूला होगा ये वाला यूज, ठीक है। तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए मैं आपको थोड़ा कंफर्टेबल बना कर देता हूं, फुल वेव रेक्टिफायर और यहां पर टी बाय टू, अगर ध्यान से देखें तो इसमें जो पल्स है, क्या उसकी शेप में या किसी भी वैल्यू में कोई चेंज है? टी बाय टू तक की बात कर रहे हैं अगर, तो कोई चेंज नहीं है। तो इसका मतलब जो डेटाज इसके हैं वही डेटाज इसके होंगे, तो ये एक अच्छी बात हो गई। अगर फुल वेव रेक्टिफायर, रेक्टिफाइड वेव, फुल वेव रेक्टिफाइड वेव, इसमें भी वेरिएशंस आ रहे हैं ना, तो इसमें भी आपको सवाल में पूछेगा कि व्हाट इज द डीसी वैल्यू या व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ फुल वेव रेक्टिफाइड सिग्नल। सीधा सा ये सिंपल सवाल पूछेगा, जो रेक्टिफायर की प्रोसेसिंग हमने पढ़ी है ना, उस प्रोसेसिंग पे कम चांसेस है, सवाल कम पूछता है, लेकिन इस डेटा पे पूछता है। तो यहां पर फुल साइकिल वाले की बात नहीं हो रही, हम हाफ टी बाय टू तक की बात करें, तो इस कितना था 2v0/π, इसमें भी कितना होगा 2v0/π, यानी इसकी भी एवरेज वैल्यू उतनी ही होती है, डीसी वैल्यू, एवरेज वैल्यू या डीसी वैल्यू। दूसरा, इसकी आरएमएस वैल्यू v0/√2 होती है, इसकी भी आरएमएस वैल्यू v0/√2 होती है। भैया आप देखो ना, आपको देखो जीरो से टी बाय टू तक की बात करें, क्या ये पल्स इसकी पल्स और इसकी पल्स बिल्कुल सेम है? अब कोई ये सोच रहा होगा कि सर टी बाय टू तक की बात क्यों कर रहे हो, टी तक की बात क्यों नहीं कर रहे, है ना? तो यहां पर मैं, आप एवरेज या आरएमएस कितने भी टाइम तक के लिए निकालिए, उससे फर्क नहीं पड़ा करता, वो जो आना है वही आएगा, ठीक है। अगर यहां पर टी बाय टू तक आप एवरेज निकालते हैं, ठीक है, या टी बाय टू तक आप आरएमएस निकालते हैं, पूरे साइकिल के टीक तक के लिए आप आरएमएस निकाल लो, चाहे टी बाय टू तक आरएमएस निकाल लो, वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप टी बाय टू तक देखो ना, क्या इसका सिग्नल और इसका बिल्कुल सेम है,
मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये दोनों जो है वो सेम सिग्नल है टी बाई टू तक, इस वजह से यहां इसकी वैल्यूज और इसकी वैल्यूज सेम आएगी, इसलिए ठीक है। हाल फिलहाल मैं इतना ही कर सकता हूं, मैं ये वैल्यूज लेकर इस फॉर्मूला का यूज करके करने लगेगा तो फिर उस आधा पौना घंटा बीत जाएगा और ये इतना टाइम हमारे पास नहीं है ये चीज, और बाद में आपको करनी ही है, एसी चैप्टर में आप करते ही हैं तो वहां करवाई ही जाएगी, ठीक है। इसलिए इसको अपन वैल्यू सीधी याद करेंगे, और करने के बावजूद भी हमें ये वैल्यूज याद रखनी ही पड़ेगी, तो फिर क्यों, है ना। तो यहां पर बात करें अगर हाफ वेव की, तो हाफ वेव में आप देखो, आप मुझे थोड़ा आइडिया बताइए, हाफ वेव में इसकी एवरेज वैल्यू इसके मुकाबले कम आनी चाहिए या ज्यादा आनी चाहिए इसकी वैल्यू, क्योंकि इसमें बीच बीच में क्या है, मिसिंग है ना, बीच में पल्सेस गायब हो गई तो एवरेज कम आएगी। ये बेसिकली ऐसा है, ये 10 किलोमीटर तक चले आप गाड़ी से, फिर उसके बाद आधा घंटा वेट कर लिया, फिर 10 मिनट तक चले, फिर आधा घंटा वेट कर लिया, बोलो एवरेज क्या आएगी, कम नहीं आएगी क्या, वही चीज। और यहां पर आप लगातार चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तो यहां पर आपकी एवरेज जो है वी नोट बाय टू आती है, सॉरी इसका आधा वो आरएमएस होती है, वी नोट बाय पाई, इसका जस्ट आधा V नोट बाय पाई एवरेज होता है और इसका वैल्यू होता है V नोट बाय टू। तो मैं ये समझता हूं कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये दो वैल्यूज है जो एडिशनल याद करनी पड़ेगी यहां। मेरे हिसाब से ये दोनों वैल्यूज बड़ी पॉपुलर वैल्यूज है और ये आप एसी चैप्टर में भी याद रखते हैं, डेफिनेटली यहां भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये डेटा थे। इसके बाद अगर बात तीसरा पैरामीटर वो होता है एफिशियंसी ऑफ रेक्टिफिकेशन। तो एफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा हमें पावर की टर्म्स में बात की जाती है, हमें डीसी फॉर्म में कितनी पावर मिल रही है डिवाइड बाई हमने एसी फॉर्म में कितनी दी, इस फॉर्मूला से हम इसका एफिशिएंसी निकालते हैं। ये तो कोई रेक्टिफायर नहीं है, तो एसी सिग्नल की बात है। हाफ वेव और फुल वेव में क्या लगता है, किस केस में रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी ज्यादा होगी, इसमें वही बात है ना, आधा वोल्टेज लॉस ही हो रहा है, पावर यहां आउटपुट में कम मिल रही होगी, और एग्जैक्टली इसमें जितनी भी वोल्टेज पल्सेस मिल रही है इसमें इसकी डबल पल्सेस मिल रही है, तो यहां पर इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो मैक्सिमम 40.6% होती है। ये पूरा 50% क्यों नहीं हो रही, क्योंकि यहां पर जो लोड है उसमें हीट का लॉस होगा, जो डायोड फॉरवर्ड बायस में आप बीच में आते हैं, फॉरवर्ड आते हैं कभी रिवर्स आते हैं, उन डायोड्स का भी रेजिस्टेंस इन्वॉल्व होगा, तो मैक्सिमम 40.6% एफिशिएंसी और इसमें इसकी जस्ट दुगनी 81.2%। ये डेटा भी आपको सीधा जो है पूछेगा अगर पूछेगा तो, ठीक है। तो ये बस पैरामीटर है जो हमको ध्यान रखना है, और एक ये इसके तीसरा हो गया। चौथा एक पैरामीटर है, इसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल, या इसको कह सकते हैं पल्स फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर अगर आप बात करें पल्स फ्रीक्वेंसी से मतलब होता है, जैसे हाँ यहां पर हम बात करते हैं इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, यहां पर टाइम पीरियड पूरा हो रहा है, इसमें कहां पर हो रहा है, वहीं पर हो रहा है क्या, अरे इसी टाइम पीरियड पूरा कब होता है, जब उसके बाद वेव क्या हो जाए, रिपीट होनी शुरू हो जाए। तो यहां पर इस टी टाइम बाद क्या रिपीट हो रही है वेव, क्या इसमें भी उतने ही टाइम बाद रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही है, और इसमें कितने टाइम बाद रिपीट हो रही है, मतलब जितना ये था उसके आधे समय बाद ही वेव क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। टाइम पीरियड इसका क्या है इन दोनों के मुकाबले, आधा है। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डबल होगी, पक्की बात है ना, सबको पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। टाइम पीरियड अगर इसमें आधा हो रहा है तो इसमें फ्रीक्वेंसी क्या हो रही होगी, तो अगर इस केस में फ्रीक्वेंसी में एफ बोलता हूं तो क्या इसमें कितनी होगी, हाफ वे में इसमें भी एफ होगी कि नहीं होगी, अरे टाइम पीरियड सेम है या नहीं है, और इसमें कितनी होगी, 2f। सिंपल फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है जिसको पल्स फ्रीक्वेंसी। अच्छा लास्ट जो है वो है आपकी रिपल फ्रीक्वेंसी। अब एक छोटी सी एक नई सी टर्म हो रहा है रिपल फ्रीक्वेंसी। अच्छा रिपल हम किसको बोला करते हैं, जो हमारी रेक्टिफाइड वेव हमको मिली है उस रेक्टिफाइड वेव में जो वेरिएशंस हो रहे हैं ना, ये पॉजिटिव पल्सेस जो आ रही है इनको हम रिपल्स बोलते हैं, इनको हम रिपल्स बोलते हैं। तो ये कितने रिपल्स इसमें आ रहे हैं उनका फ्रीक्वेंसी, कितने मतलब कितने पॉजिटिव रिपल्स आ रहे, कितने पॉजिटिव पल्सेस आ रही है। तो मैं अगर इन शॉर्ट सही तरीके से बताऊं तो रिपल्स का मतलब होता है पॉजिटिव पल्सेस का काउंट। चलो अब बात करते हैं यहां पर इस केस में इस टी टाइम पीरियड में कितनी पॉजिटिव पल्सेस आ रही है, एक आ रही है। अच्छा इसमें कितनी आ रही है, इसमें भी एक पॉजिटिव पल्स आ रही है, इसमें कितनी आ रही है, उसने इसमें टी टाइम में कितनी आ रही है, दो। तो किस केस में रिपल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फॉरवर्ड में क्या डबल है क्या, और इसमें क्या है
सेम, इसमें भी नंबर ऑफ पॉजिटिव पल्सेस टी टाइम में एक है, इसमें भी नंबर ऑफ पॉजिटिव पल्सेस टी टाइम में एक है, और इसमें कितनी है, दो। या और सिंपल तरीके से बात करें, आप काउंट करो पॉजिटिव पल्सेस को, अल्टीमेटली बात वही हो रही है। तो अगर इस केस में हम फ्रीक्वेंसी को हम एफ डैश बोल रहे हैं, एफ डैश क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड में आने वाले पॉजिटिव पल्सेस, ठीक है। तो यहां एक सेकंड में मान लो 50 आ रहे हैं, अब बताना मुझे एक सेकंड में अगर इसमें 50 आ रहे हैं, इसमें कितने आ रहे होंगे एक सेकंड में, यानी इसमें भी 50 ही आ रहे होंगे ना। अच्छा, इसमें फिर एक सेकंड में कितने आ रहे होंगे, 100 आ रहे होंगे, पक्का आ रहे होंगे कि नहीं आ रहे होंगे, 100। यहां पर कितना हो जाएगा, इसमें इसमें एक एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ, इसमें पॉजिटिव पल्स फ्रीक्वेंसी इसकी एफ टोटल पल्सेस, एक सेकंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये तो सही है, चलो ये सही हो, एक मिनट, पल्स फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा, पल्स फ्रीक्वेंसी ये नहीं होती है, सॉरी, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूंगा। पल्स फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टोटल पल्सेस, है ना। यहां पर मैंने क्या बोला, जो ये तो क्या है, ये तो अपने फ्रीक्वेंसी लिख दी, वेव फ्रीक्वेंसी लिख दी, ये जो पल्स नहीं है ये तो एक्चुअल वेव फ्रीक्वेंसी हो गई जो आपने लिखी। पल्स फ्रीक्वेंसी से मतलब होता है टोटल पल्सेस, पल्स फ्रीक्वेंसी से मतलब होता है टोटल पल्सेस। अब अगर इसमें आप बात करो, चलो एक बार इसमें बताओ, इसमें टी टाइम में कितनी पल्सेस आ रही हैं, दो पल्सेस आ रही हैं, इसमें टी टाइम में कितनी आ रही है, एक आ रही है, सॉरी मैंने फ्रीक्वेंसी बता दिया आपको। अगर कोई भी पूछे आपसे इस सिग्नल का फ्रीक्वेंसी एफ, इसका भी कितना है एफ, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 2f हो गया, ये वेव फ्रीक्वेंसी बता दिया था मैंने। फ्रीक्वेंसी यहां पर पल्स फ्रीक्वेंसी और रिपल फ्रीक्वेंसी दोनों ही अलग टर्म्स हैं। रिपल फ्रीक्वेंसी से मतलब है टोटल पॉजिटिव पल्सेस का काउंट, और पल्स फ्रीक्वेंसी से मतलब है टोटल पल्सेस का काउंट। चलो तो अब एक बार बताएंगे दोबारा से मेरे को, इस टी टाइम पीरियड में कितनी टोटल पल्सेस आ रही है, दो आ रही है, इसमें कितनी आ रही है, तो इसमें एक आ रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, हाफ। क्या तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी में एफ लिखता हूं तो बताएंगे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, एफ बाय टू हो जाएगी। और इसमें बताएगा कोई, इसमें भी टी टाइम में कितनी पल्सेस आ रही है, तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना, हमें क्या देखना है, टोटल। तो इसमें भी क्या आएगा, एफ, सॉरी वो मैंने आपको वेव फ्रीक्वेंसी बता दिया था, क्लियर है, कंफ्यूज तो नहीं कर गए हो आप। दोबारा से, पल्स फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टोटल पल्सेस, ठीक है, टोटल पल्सेस, और रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओनली पॉजिटिव पल्सेस। दोबारा देख लो, टी टाइम में दो पल्सेस, टी टाइम में एक पल्सेस, तो पल्स फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होगी, अगर इसकी एफ है तो इसकी क्या हो गई, और इसमें भी टी टाइम में कितनी है, दो ही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी एफ। अच्छा, रिपल फ्रीक्वेंसी की बात करें तो टोटल क्या, पॉजिटिव पल्सेस, टी टाइम में कितनी पॉजिटिव पल्सेस, इसमें कितनी, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी, रिपल फ्रीक्वेंसी बराबर होनी चाहिए, लेकिन इसमें टी टाइम में कितनी पॉजिटिव, दो आ रही है, तो इसकी रिपल फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, डबल। क्लियर है, कंफ्यूजन तो नहीं हुआ ना, चलिए ठीक है। ये आपके चार पांच पैरामीटर्स हैं जिस पे आपको सवाल पूछेगा। एक बात और बता दूं, आपके मॉड्यूल में इसके अलावा भी तीन चार पैरामीटर दिए हुए हैं, जैसे इसमें बोला है किसमें ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है और किसमें नहीं पड़ती है। तो बताइए, जो फुल वेव रेक्टिफायर में सेंट्रल टेप्ड ट्रांसफार्मर वाला है वो तो प्रॉपर ट्रांसफार्मर बेस्ड ही है ना, उसमें जरूरत पड़ेगी, उसके अलावा किसी में भी जरूरत नहीं है, नेसेसिटी नहीं है, समझे, क्योंकि फुल वेव में सेंट्रल टेप्ड वाला जो रेक्टिफायर है वो तो है ही सेंट्रल टेप्ड बेस्ड, तो उसमें जरूरत, तो ये कोई काम का पॉइंट नहीं है, आराम से सोचा जा सकता है, ये जो है काम के पॉइंट्स हैं। इसमें भी मैं कहता हूं ये आपको याद रखना पड़ेगा, जब आपका सिलेबस कवर हो रहा होगा आपको बहुत आराम से दोनों डेटास एक नॉर्मल डेटा की तरह याद हुए होंगे, इसी चैप्टर में आप पढ़ लेंगे इनको, ठीक है, सिर्फ इन दोनों को याद रखना पड़ेगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इस पे मैं एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा अभी। हाँ, रिपल फ्रीक्वेंसी इस एफ डैश, मतलब अब आप देखिए ना, पॉजिटिव पल्सेस एक बात करें, इसमें टोटल पल्सेस कितनी है टी टाइम में, टोटल पल्सेस दो है, इसमें पॉजिटिव पल्सेस टी टाइम में कितनी है, एक, हम इसमें पॉजिटिव पल्सेस ले रहे हैं ना, इसमें उसकी फ्रीक्वेंसी क्या, पल्स फ्रीक्वेंसी और रिपल फ्रीक्वेंसी बराबर होगी क्या, इसमें नहीं होगी ना, तो मैं सेम कैसे ले सकता हूं, अलग अलग लेना पड़ेगा ना, इसलिए अलग ले लिया। हाँ, उस जो भी पीक आपको पीक मिल रहा है ना, आपको एसी सिग्नल जो आप दे रहे हो उस पीक वैल्यू का डिवाइड बाय पाई हाफ वेव में, और फुल वेव में क्या आएगी, पीक वैल्यू टू वी नोट बाय पाई,
V नॉट से मतलब क्या है, पीक वैल्यू ऑफ द एसी सिग्नल जो भी दिया जा रहा है। सेंट्रल मैं समझ गया आपकी बात, अपन ने दिया V नॉट का सिग्नल, आगे वो दो टुकड़ों में बट गया V नॉट बाय टू, तो हमें V नॉट बाय टू का 2 बाय पाई टाइम्स करना है। लेकिन आपसे नहीं पूछा जाएगा ये, ठीक है? आपको हमेशा ऐसा ही बोला जाता है कि फुल वेव रेक्टिफायर में पीक वैल्यू सिग्नल का इतना है, तो बताओ फिर एवरेज वैल्यू कितना होगा, लगाइए डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है? पीक वैल्यू इतना है तो बताइए आरएमएस कितना होगा, डायरेक्ट। ये वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ती है, अगर नहीं रखनी होती, प्रोसेस जरूरी ही होता तो मैं इसको करके जरूर बताता आपको, ठीक है? तो ये वैसे भी प्रैक्टिस के तौर पर आप एसी में पढ़ते हैं, इन फॉर्मूला के बेस्ड इनका वैल्यू जो है निकालते हैं इसके आधार पर, ठीक है? तो एक बार आप कर लीजिए, ये टेबल नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो लिखिए, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है, ठीक है? हाँ बिल्कुल, नहीं सेम सेम, इसमें ये इसका ये टू क्यों हटा दिया, ऐसा पीक ले रहे हैं, हाँ पीक, हाँ इसमें भी वी नोट होगा, इसमें भी वी नोट होगा, इसमें भी वी नोट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसमें, इसमें, अरे भाई पीक तो वही है ना, एवरेज निकालने का ये फॉर्मूला होता है हम, हाँ, तो जो एवरेज में जो फंक्शन होता है उसमें पीक वैल्यू जो होती है वी नोट, उसका बाय पाय इज द वैल्यू जो आप इस फॉर्मूला में पुट करने पर आपको मिलने वाली है वी नोट। अच्छा फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है जरा बताइए, वी बराबर वी नोट, कोई बता सकता है फंक्शन क्या था, वी बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी, क्या ये साइनसोइडल पल्स का फॉर्मूला या फंक्शन होता है? इसमें वी नोट क्या चीज है, वी नोट है दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ द सिग्नल जो आप एसी की फॉर्म में दे रहे हैं। अब आपको मैंने इसका क्या कर दिया, मैंने इसका हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कर लिया लेट सपोज, तो बताओ क्या मिला, ये मिला, क्या पीक चेंज हुआ इसका, नहीं हुआ, सेम ही है, सेम ही है। तो इस वेव का जब आप एवरेज निकालेंगे तो योर आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ पीक वैल्यू, वही पीक वैल्यू तो यहां लिखी है वी नोट, ठीक है? हाँ फुल वेव किसकी एवरेज वैल्यू, नहीं हाँ हाँ निकाली तो है ये रही ना, ये क्या है 2 वी नोट बाय पाई, क्या चीज है आप देख रहे हो ना सर, अच्छा क्या है 2 वी नोट बाय पाई एसी सिग्नल का हाफ साइकिल का एवरेज होता है इसमें, हाँ ये पूरे साइकिल का एवरेज, एवरेज चाहे फुल का निकालो चाहे हाफ का निकालो वो सेम आएगा, बट इन दिस केस वो नेगेटिव जा रहा है ना तो सेम नहीं आएगा, इसलिए मैंने अलग अलग मेंशन कर दिया, ठीक है? इसमें हाफ साइकिल में 2 वी नोट बाय पाई आता है, इसमें वही टी बाय टू टाइम के लिए निकालेंगे तो 2 वी नोट बाय पाई ही आएगा, उतने ही टाइम जितना यहां, यहां भी टी बाय टू तक के लिए निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है 2 वी नोट बाय पाई, यहां भी टी बाय टू तक निकालो तो बोलो कितना आएगा 2 वी नोट बाय, लेकिन इसमें जब फुल साइकिल निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, वो जीरो आ जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो ये डेटा तो हमको बेसिकली लिखना ही नहीं है, जीरो जो है वो मैंने बताया वो लिखना नहीं है हमें, हम ज्यादातर अगर बात करता है तो डेफिनेटली वो हाफ साइकिल की, या ये तो ऐसे लिखे मैंने, मेन तो HWR और FWR की वैल्यूज ही हमको ध्यान रखनी है। मैंने ये इसलिए लिखा क्योंकि आपको ये बता सकूं कि इसकी जो रिजल्ट्स आते हैं वही रिजल्ट इसके आते हैं, इसलिए मैंने उसको लिखा है, ठीक है? अदरवाइज उसको लिखने की जरूरत नहीं थी एसी को, ठीक है? हमें सिर्फ HWR और FWR के रिजल्ट्स की बात करनी है, ठीक है? क्लियर हो गया, चलिए टेबल बना लिया सबने, वैल्यूज लिख लिया, चलिए फटाफट करिए, ये लिखने की जरूरत है, ये दो फॉर्मूलाज आपके आएंगे, ठीक है? इसको यहां पर वी क्या चीज है, ये फंक्शन, ये फंक्शन रखकर यहां इसका इंटीग्रेशन किया जाता है, बट आप अभी अगर करना होता तो डेफिनेटली मैं बोलता ये जब एसी में आपको प्रैक्टिस करवा रहे होंगे तभी ट्राई करना, ठीक है? क्योंकि इंटीग्रेशन बेस्ड है, ढंग से दो चार सवाल प्रैक्टिस करोगे उसके बाद ही आपको ट्राई करना चाहिए, ठीक है? तो इसको तो मत लिखना, आप सीधा वैल्यूज लिख लो, ठीक है? ज्यादा बेटर है अभी अभी के लिए। चलिए एक क्वेश्चन लिख रहे, आपको हाफ वेव रेक्टिफायर का क्वेश्चन करा दिया था ना एक, ये वाला,
हाँ ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। लिख लीजिए भाई सब, है ना। इसके ब्रैकेट में आप लिख लेना पल्स फ्रीक्वेंसी, मतलब क्या टोटल फ्रीक्वेंसीज का काउंट, टोटल पल्सेस, टोटल पल्सेस, और रिपल फ्रीक्वेंसी मतलब ओनली पॉजिटिव पल्सेस, ठीक है ना। ये बात मेंशन कर लेना, तभी आप उसको अच्छे से जो है बिना रटे याद रख पाओगे, ठीक है। चलिए, रटने की जरूरत नहीं है, रटने वाले डेटास दो ही हैं, ये या फिर ये एफिशिएंसी, ठीक है। चलिए, इसमें लग रहा होगा आपको कि क्या है, मतलब अपने को क्रिएटिव वे में हमको कुछ नहीं मिल रहा, हमें सिर्फ वैल्यू रटवाई जा रही है, तो यस रटवाई ही जा रही है, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, डायरेक्टली बोल रहा हूँ, सवाल आएगा आपको लास्ट ईयर में आया हुआ है इस पे बेस, अभी देखो सवाल आपको पूछ रहा हूँ ना, करिए जरा पता लग जाएगा कैसे यूज करना है। लिखिए, चलिए इन एच डब्ल्यू आर लिखें जरा, इस क्वेश्चन को सब ट्राई करें, आराम से कर लेंगे और पता लग जाएगा कि ये यूज कैसे होगा। लिखिए एच डब्ल्यू आर, इन एच डब्ल्यू आर एच डब्ल्यू आर पता ही है, हाँ फिर एसी सिग्नल वी इज इक्वल्स टू, एसी सिग्नल वी इज इक्वल्स टू 220 साइन 100 पाई टी, 220 साइन 100 पाई टी, एसी सिग्नल 220 साइन 100 पाई टी इज रेक्टिफाइड, देन फाइंड द डीसी करंट, फाइंड डीसी करंट थ्रू द लोड, फाइंड द डीसी करंट थ्रू लोड आर एल इज इक्वल्स टू 10 किलो ओम, आर एल इज इक्वल्स टू 10 किलो ओम, ठीक है। डीसी करंट ओ, तो एच डब्ल्यू आर के केस में आपको डीसी वोल्टेज तो पता ही है, हमें पूछा केवल क्या है डीसी करंट। आप देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन है इसके लिए, लेकिन जरूरी है हमें डीसी वोल्टेज डायरेक्ट पता हो, एच डब्ल्यू आर के केस में डीसी वोल्टेज पता हो, पता है क्या डीसी वोल्टेज, देखो टेबल में, टेबल में देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर कितनी होती है डीसी वैल्यू, हाफ वेव रेक्टिफायर में डीसी वैल्यू कितनी होती है वी नोट बाय पाई, बस। और वी नोट क्या है इसमें ये तो पता ही है, 220 ये पता होना चाहिए, साइन के बाहर जो लिखी हुई वैल्यू है दिस इज योर वी नोट पीक वैल्यू, ठीक है, बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए। हाँ देखते कितना आ रहा है, पूरा पूरा तो आ रहा होगा, कोई ऐसा ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं लग रहा होगा, पाई की वैल्यू पुट कीजिए बस, और आरएल समझ आ गया हमको कि कैसा सवाल पूछा जा रहा है। दिस इज योर वी नोट, वी आर आस्क्ड आईएल, आईएल क्या होगा वी एवरेज बाय वी एवरेज या वीडीसी, हाँ वीडीसी बोल दो, चलो वीडीसी बाय आरएल बोलो, ये होना चाहिए, लोड में फ्लो होने वाला करंट चाहिए, तो जो डीसी करंट पूछा है तो डीसी वोल्टेज डिवाइड बाय आरएल, यही तो होगा। अब बताओ डीसी वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो समझ आया, अगर हमें ये डीसी हमें वहां क्या निकालने बैठेंगे क्या एवरेज का फॉर्मूला लगाकर, हमें वो वैल्यू डायरेक्ट पता होनी चाहिए कि फॉर द हाफ वेव रेक्टिफायर डीसी वैल्यू इज वी नोट बाय पाई, और अगर फुल वेव रेक्टिफायर होता तो क्या होता 2V0 बाय पाई, समझ में आ गया ना। तो ये चीज इसके लिए मैं आपको बता रहा था, और नीचे आरएल तो जो है आरएल तो आएगा ही, ठीक है ये पाई है, चलो वैल्यू पुट कर दीजिए, वी नोट है 220, आरएल है 10 किलो 10 किलो, और पाई कितना होता है, पाई को यहाँ 22/7 रख दें क्योंकि ऊपर 22 आ रहा है ना, कट जाएगा, बोलो कितना हुआ
कितना हुआ 7/1 किलो, इट मींस 7 मिली. बाकी सब देखो कट रहा है कि नहीं कट रहा है, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, देख लो आपके सामने. तो एक क्वेश्चन के जरिए हमने इसको क्लियर किया कि हाँ इन डेटा को हम कैसे वो इनडायरेक्टली क्वेश्चन में यूज करवाएगा. ऐसे नहीं पूछेगा कि बता चला SWR की DC वैल्यू, ऐसे ये तो बिल्कुल डायरेक्ट हो गया. इस तरह से यूज हो गई कि नहीं हो गई, समझ में आ गया सबको? चलिए तो ये हो गया. इसके बाद हम बात करते हैं जो हम बोल रहे थे कि जो रेक्टिफायर में आपको रिजल्ट मिल रहा है उसमें वेरिएशंस हैं. देखिए हम चार्जर बना रहे हैं, और अब हम चार्जर कंप्लीट कर लेंगे. हमने सबसे पहले क्या किया, 220 वोल्ट एसी घर में जो आ रही है उसको ट्रांसफार्मर के जरिए क्या किया था, उसकी वोल्टेज रिड्यूस की, स्टेप डाउन किया, 220 से उसको कितना कन्वर्ट कर दिया 5. लेकिन स्टिल वो एसी है, ट्रांसफार्मर एसी को एसी ही रखता है. लेकिन फिर उसके बाद हमने एक फुल वेव रेक्टिफायर यूज किया, लेट सपोज हमने ब्रिज रेक्टिफायर यूज कर लिया, उसने क्या कर दिया उसको डीसी पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट कर दिया. अब ये जो पल्सेटिंग डीसी है इसमें वेरिएशंस हैं. हमारे मोबाइल को चार्ज होने के लिए 5 वोल्ट कॉन्स्टेंट चाहिए, तो ये जो 5 वोल्ट कॉन्स्टेंट बनाएगा ये आगे बनाएगा फिल्टर सर्किट. एक छोटा सा एक टॉपिक हो रहा है 5 मिनट का, लिखते हैं इसको फिल्टर सर्किट. लिखिए जरा फिल्टर सर्किट क्या करेगा, ब्रैकेट में मेंशन कर देता हूं, स्मूदन द पल्सेटिंग डीसी. स्मूदन मतलब समझ गया ना, उसको स्मूथ कर देता है, उसके रिपल्स को खत्म कर देता है. ठीक है, 100 कहां पे, ये अच्छा ये क्या है ओमेगा. स्टैंडर्ड फंक्शन क्या होता है, साइन ओमेगा टी. हियर ओमेगा इज व्हाट 100 पाई. बट इसका कोई यूज करना है क्या, ऐसे ही दिया था है ना. ठीक है, कोई फ्रीक्वेंसी तो पूछी नहीं, क्लियर है. चलिए तो स्मूदन द पल्सेटिंग डीसी ये कैसे हो, एक आइडिया लेते हैं. हमें यहां पर एसी सिग्नल मिला, ठीक है, इसको हमने FWR में से पास किया तो हमें क्या मिला, फुल वेव रेक्टिफाइड सिग्नल. इसके आगे लगाते हैं हम फिल्टर. बस इन शॉर्ट इसमें बात करेंगे, क्योंकि जो सवाल फिल्टर में पूछा जा सकता है 2 सवाल पूछे जा सकते हैं. एकदम मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि 2 के अलावा तीसरी कोई चीज नहीं पूछेगा. चलिए फिल्टर सर्किट क्या करेगा आपका, देखिए यहां पर ये जो पल्सेटिंग डीसी आ रही है, हम चाहते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें कॉन्स्टेंट वोल्टेज चाहिए, लगभग कॉन्स्टेंट मिल जाए चलो ठीक है. लेकिन यहां पर तो क्या है, रिपल्स हैं, तो इनको खत्म करने का काम करेगा फिल्टर सर्किट. फिल्टर सर्किट स्मूदन्स द पल्सेटिंग डीसी. अच्छा कैसे करेगा, थोड़ा उसका आइडिया लेते हैं. ये कैपेसिटर जोड़ रखा है, कैपेसिटर का सिंबल सबको पता ही होगा, ये कैपेसिटर है और ये लोड है आपका मोबाइल. ठीक है, अब जरा एक बात समझिए, ये जो पल्सेटिंग सिग्नल है इसमें एक क्वालिटी तो एसी की खत्म हो गई कि इसमें डायरेक्शन नहीं बदल रही है. इसमें डायरेक्शन जो है सिर्फ एक ही है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव. इट मींस ये डीसी में कन्वर्ट तो हो गया है लेकिन एक परफेक्ट डीसी में कन्वर्ट नहीं हुआ है. तो इसको हम ये कहेंगे कि हाँ इसमें वेरिएशन अभी भी प्रेजेंट है, यानी इसमें कुछ एसी कंपोनेंट्स अभी भी प्रेजेंट है. एसी कंपोनेंट मतलब जिसके कारण वेरिएशन आते हैं. अच्छा डीसी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं बदल रही. तो ये दिस सिग्नल इज बेसिकली नॉट परफेक्ट डीसी, दिस इज एसी प्लस डीसी. इसमें एसी कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट है, इसमें वेरिएशन है इस वजह से. अच्छा अब हमने यहां एसी प्लस डीसी यूं समझ लो दोनों मिक्सर जा रहा है आगे. ठीक है, हमें यहां लोड को क्या पहुंचाना है, केवल डीसी. हम यही चाह रहे हैं ना, हमारा डीसी कंपोनेंट पहुंचे और जो वेरिएशन है वो नहीं पहुंचे. तो ये कैपेसिटर क्या कर लेगा फिर भाई, कैपेसिटर क्या कर लेगा, जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर जो है जैसे डीसी करंट के लिए आपका जो रेजिस्टेंस है वो एक हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है. हिंड्रेंस जिसको आप क्या बोलते हो, रेजिस्टेंस, अपोजिशन. करंट के रास्ते में रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोजिशन प्रोवाइड करता है क्या. अच्छा कैपेसिटर जो होता है वो अल्टरनेटिंग करंट के रास्ते में क्या करता है, हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है, जिसको हम बोलते हैं एसी चैप्टर में पढ़ते हैं इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस. और जिसको लिखा जाता है किससे, एक्सी से. कभी सुना है क्या, अच्छा एक्सी का एक फॉर्मूला लिख रहा हूं देखना, कभी पढ़ा है क्या, एक्सी इज इक्वल्स टू 1/
ओमेगा सी। अच्छा क्या था, कोई याद करे एक्सी क्या था? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और ये क्या चीज होती है? रेजिस्टेंस, चलो रेजिस्टेंस बोल दो, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटेंस टू एसी या डीसी। चलो हम चेक करते हैं, एसी के लिए फ्रीक्वेंसी हाई होती है, डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 4 डीसी। डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0। डीसी की फ्रीक्वेंसी 0, डीसी में कोई रिपीटेशन हो ही नहीं रहा, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0। अच्छा ये ओमेगा को थोड़ा खोल के लिखें, ओमेगा क्या होता है? 1/2 πfc। अच्छा 4 डीसी अगर एफ 0 है, सी कितना हो गया, एक्स कितना हो गया, एक्स हो गया 1/0 यानी इनफाइनाइट, यानी डीसी के रास्ते में इनफाइनाइट हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है कौन? कैपेसिटर्स। और अगर मैं बात करूं 4 एसी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी का एसी सिग्नल है तो एफ उसमें बहुत ज्यादा होगा, एफ इज वेरी हाई, जितना ज्यादा एसी का फ्रीक्वेंसी होगा आप बताइए एक्सी का वैल्यू, एक्सी का वैल्यू क्या होगा? अगर एसी सिग्नल है उसका फ्रीक्वेंसी हाई है तो उसका एक्सी उतना ही कम होगा, यानी एसी सिग्नल के रस्ते में आपका कैपेसिटर क्या करता है? लो हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है। बात क्लियर हुई? अब यहां पीछे से क्या आ रहा है बताना, एसी प्लस डीसी, ये रस्ते में दो रस्ते मिल रहे हैं इसको, इस सिग्नल को दो रस्ते मिल रहे हैं, एक लोड और एक कैपेसिटर। तो कैपेसिटर वाला रास्ता, मैं डीसी की बात करूं, क्या डीसी कैपेसिटर वाले रस्ते में से जाएगा? जाएगा क्या? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि कैपेसिटर डीसी सिग्नल को कितना इंड्रेंस प्रोवाइड करता है? इनफाइनाइट, मतलब उसमें से तो जाने से रहा डीसी सिग्नल, तो डीसी सिग्नल यहां से नहीं जाएगा, कहां चला जाएगा? आगे। एसी की बात करें, एसी कंपोनेंट की बात करें, एसी कंपोनेंट को अगर हाई फ्रीक्वेंसी का एसी कंपोनेंट है उसके लिए एक्सी क्या होगा? बहुत कम होगा। क्या यहां से एसी सिग्नल फिल्टर आउट हो जाएगा? क्या फिल्टर आउट हो गए बैक, यानी आगे सिर्फ क्या जा रहा है? डीसी। तो ये एक मोटी मोटी वर्किंग है, मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप इसमें परफेक्ट हो गए और आप चार्जर बना लोगे घर जाकर, लेकिन इसमें हमको एक बात समझ आई कि किस कंपोनेंट का क्या रोल है, हमें ये पता चल गया। सी, अब मुझे क्या चाहिए? ये एसी को बाईपास करना है, मैं चाहता हूं एसी यहां से क्या हो जाए? फिल्टर आउट हो जाए। उसके लिए और मैं क्या कर सकता हूं, कोई बताएगा मुझे? मुझे चाहिए एसी सिग्नल का जो एक्सी है वो घटे, और घटे। क्यों चाहता हूं घटे? क्योंकि एसी सिग्नल के लिए एक्सी जितना कम होगा उतना ही यहां से एसी इजीली फिल्टर आउट हो पाएगा। अब बताओ एक्सी घटाने के लिए और क्या कर सकता हूं? एफ को तो मैंने बोला हाई हो, अच्छी बात है, कैपेसिटेंस को क्या करना पड़ेगा? बस ये इससे लिंक्ड सवाल आपको पूछेगा कि बता जो कैपेसिटर फिल्टर है उसका कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, सो दैट योर एसी फिल्टर, एसी कंपोनेंट इज इजिली फिल्टर आउट, कैन बी इजिली फिल्टर आउट, यही तो होना चाहिए। तो ये फॉर्मूलाज के जरिए हम ये चीजें समझ रहे हैं, इनके पीछे की साइंस समझ रहे हैं कि योर कैपेसिटेंस शुड बी हाई, सिग्नल का फ्रिक्वेंसी शुड बी हाई। एक दो चीजें पता लग गई, क्या क्या? एफ हाई होनी चाहिए, कैपेसिटेंस भी हाई होना चाहिए। एक तीसरे कंपोनेंट का रोल और जो आपसे पूछ सकता है, वो क्या? लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू। आप मुझे बताइए, जब ये पीछे से आएगा ना तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, ठीक है, और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज मेंटेन हो जाएगी। जो वोल्टेज कैपेसिटर को मिलेगी क्या वही लोड को मिलेगी? कैसे, क्यों? पैरेलल में जुड़े हुए है ना, तो क्या ये वोल्टेज हम चाहते हैं मेंटेन रहे? वोल्टेज अगर वैरी कर गई तो क्या फिर वो डीसी बची क्या? हम जो चाहते हैं इसको जो वोल्टेज मिली वो क्या रहे? वही तो परफेक्ट डीसी कही जाएगी। अब बताओ ये वोल्टेज तब कांस्टेंट रहेगी जब ये वोल्टेज डिक्रीज ना हो, और डिक्रीज कब होगी मैं बताऊं? डिक्रीज तब होगी जब ये कैपेसिटर क्या हो? डिस्चार्ज। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो क्या उसकी वोल्टेज घटेगी? घटेगी। और डिस्चार्ज तब होगा जब ये लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस कम होगा तो ये वोल्टेज क्या होगा? इस रेजिस्टर में क्या होगा? करंट बन करके फ्लो हो जाएगा। इस वोल्टेज की वजह से इस रेजिस्टर में करंट क्या होगा? फ्लो होगा कि नहीं होगा? तो हम चाहेंगे इस वोल्टेज, इस कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग क्या हो? कम से कम हो। डिस्चार्जिंग कम से कम होने के लिए लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू भी क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो अल्टीमेटली सीधा रट सकते हो, योर फ्रीक्वेंसी एफ, योर कैपेसिटेंस सी एंड योर लोड रेजिस्टेंस आर एल, तीनों क्या होने चाहिए? तीनों ही हाई होने चाहिए फॉर बेटर फिल्टरिंग। क्लियर हुआ? तो ये एक मोटा मोटा सा एक आइडिया है कि हाँ ऐसे ये चीजें हो रही, ठीक है। तो इसमें आप ये वाला डायग्राम बना लीजिए,
ठीक है, यहां पर मैं एक लाइन लिख देता हूं, जो मैंने सारी कहानी सुनाई ना उसको एक लाइन में ब्रीफ में यहां लिख देते हैं। ठीक है, इतना लिखिए, एक्सी को लिखें क्या, लिख देते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये तो सबको याद आ गया होगा ना यार, अगर 12वीं क्लास में कभी एसी चैप्टर देखा है तो एसी चैप्टर में एक्सी नाम की एक चीज होती है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, द अपोजिशन प्रोवाइडेड बाय द कैपेसिटर टू द पाथ ऑफ एनी करंट एनी सिग्नल, डीसी के लिए इनफाइनाइट और एसी के लिए लो, लो हिंडरेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो मैं यहां एक लाइन लिख देता हूं, हाई फ्रीक्वेंसी एसी कंपोनेंट विल बी फिल्टर्ड आउट थ्रू सी, एसी कंपोनेंट एंड ओनली डीसी कंपोनेंट कैरी फॉरवर्ड। लोड, ठीक है, हमें लोड तक डीसी कंपोनेंट पहुंचाना था, डीसी कंपोनेंट ऐसे पहुंच जाएगा। तो नोट क्या है, एफ सी एंड आर एल शुड बी हाई, इस पे क्वेश्चन आपको पूछेगा, सिर्फ इस नोट पे, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, शुड बी हाई फॉर बेटर फिल्टरिंग। ठीक है, यहां पर अब क्या मिलेगा अपने को, देखो इस लोड पे जो वोल्टेज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, ये शुरू से वोल्टेज जीरो से बढ़ करके वी नोट तक पहुंची, ये कैपेसिटर वी नोट वोल्टेज तक क्या हो जाएगा चार्ज, यहां मैंने वी लिखा गलती से, लिखना चाहिए वी नोट, ये कैपेसिटर कितने वोल्टेज से चार्ज होगा, जीरो से बढ़कर पीछे वोल्टेज कितने तक जा रही है मैक्सिमम वी नोट, तो वी नोट वोल्टेज तक ये चार्ज हो जाएगा। भाई डिस्चार्ज नहीं होगा इजिली, क्यों नहीं होगा डिस्चार्ज इजिली, बिकॉज यू हैव हाई वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस, ये एक दूसरा तरीका है समझने का। तो ये चार्ज हो गया, उसके बाद आपकी ये डिस्चार्ज नहीं होगा, थोड़ा सा डिस्चार्ज होगा लेकिन यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली कॉन्स्टेंट वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। ठीक है, ये मिलेगा आपको, दिस इज फिल्टर्ड रिजल्ट इस तरह का। ठीक है, तो इसमें वो रिपल्स बहुत कम होंगे। ठीक है, वो डिस्चार्ज नहीं होगा, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर कॉन्स्टेंट मेंटेन रहेगी ड्यू टू द हाई डिस्चार्जिंग टाइम, ड्यू टू द हाई डिस्चार्जिंग टाइम, और हाई डिस्चार्जिंग टाइम कैसे मिलेगा, हाई वैल्यू ऑफ आर एल की वजह से। तो ये लॉजिक है, सारी चीजें है ना, सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया, आपको ये वैल्यू डायरेक्ट याद रखनी है, इसी पे ही क्वेश्चन पूछेगा अगर पूछेगा तो नोट। ठीक है, इसको कर लीजिए। ठीक है, इस पे कोई फॉर्मूला नहीं है तो कोई न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, छोटा सा एक टॉपिक था। ठीक है, कर लीजिए इसको फटाफट कर लीजिए। तो ये आपका रेक्टिफायर प्लस फिल्टर, ये पार्ट पूरा होता है। इसके बाद हम जो है आगे ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन अवलांश एंड जीनर ब्रेकडाउन, और उस पर बेस्ड एक डायोड होता है जीनर डायोड, जो कि आपके एसी में वोल्टेज स्टेबलाइजर में मेन कंपोनेंट होता है, जिसकी वजह से वोल्टेज स्टेबलाइज रहती है, उसको समझते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल यूज की चीजें हैं सारी। करिए भाई इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, मतलब ये चीजें आपके नोट्स में मैं इन शॉर्ट ही लिखा रहा हूँ, कोई ज्यादा लेंथी फॉर्म में नहीं लिखा रहा हूँ, जितनी चाहिए उतनी ही। ठीक है, बस नोट को आप याद रखें, डेफिनेटली आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, इस पे आ जाए वो भी बड़ी बात है, बट आएगा तो इसी पॉइंट पे आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए,
तो हम बात करते हैं अब ब्रेकडाउन की. ब्रेकडाउन क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं, और कितने टाइप का होता है इसको. चलिए अच्छा, कोई बता सकता है ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन कहीं आया क्या अभी तक? अभी तक ने जो कर्व बनाया, अच्छा ब्रेकडाउन किस में, किसके ब्रेकडाउन की बात चल रही है? ये लिख लिया भाई सबने? सब फ्री हो जाओ इससे, फटाफट फ्री हो जाइए इससे. ब्रेकडाउन ऑफ डायोड. चलिए यहां ब्रेकडाउन को समझते हैं हम. ये समझ में आ रहा है ना लिखा हुआ? हाई फ्रीक्वेंसी एसी कंपोनेंट विल बी फिल्टर्ड आउट, इन शॉर्ट ए वर्किंग लिखिए बिल्कुल ब्रीफ में, विल बी फिल्टर्ड आउट थ्रू द सी. सी का एक्सी दैट इज रिएक्टेंस इज लो फॉर द हाई फ्रीक्वेंसी हाई कैपेसिटेंस एंड ओनली डीसी कंपोनेंट कैरी फॉरवर्ड टू द लोड रेजिस्टेंस. तो नोट क्या है, फॉर द लो वैल्यू ऑफ एक्सी, फॉर द लो वैल्यू ऑफ एक्सी योर एफ योर सी शुड बी हाई. ठीक है ना, बस ये पूछेगा. चलिए तो अब एक बार सब लोग इधर ध्यान दीजिए, हम ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं. किस चीज के ब्रेकडाउन की बात हो रही है? डायोड के. चलिए तो डायोड में हमने फॉरवर्ड बायस का कर्व देखा था. फॉरवर्ड बायस में हमने क्या कहा, वोल्टेज अप्लाई करो, बस बैरियर से ज्यादा वोल्टेज लगा दो, आप में करंट अच्छा खासा फ्लो होगा, आपका डायोड कंडक्ट करेगा. लेकिन रिवर्स बायस में हमने कहा था कि आप चाहे वोल्टेज बढ़ा लो लेकिन आपका जो करंट है वो क्या रहता है, जीरो, मतलब ऑलमोस्ट वेरी नेग्लिजिबल वैल्यू ऑफ द करंट ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर्स. बताया था कि नहीं बताया था? लेकिन हर चीज की एक टॉलरेटिंग लिमिट होती है, होती है कि नहीं होती है? अब आपके घर में जैसे टीवी है 220 वोल्टेज पर, वो जनरली आप चलाते हैं, वही पीछे से सप्लाई आ रही है. लेकिन अगर पीछे से कभी सप्लाई 220 की जगह 300 वोल्ट आ गई तो क्या हो जाता है, घर के ऐसे बोलते ना टीवी और चीजें, कुछ अप्लायंस क्या हो गए, खराब हो गए, जल गए, ऐसा बोलते हैं ना. तो जल गए, आग लग गई, आग लग जाती है सब में, लग जाती है आग, फिर क्या होता है? आजकल एमसीबी का ऑप्शन है, बेटर है. एमसीबी पहले ही उसको खराब होने से बचा देती है, क्योंकि एमसीबी का काम ही है कि हाई वोल्टेज आने पर वो ट्रिप ऑफ हो जाती है. ठीक है, लेकिन मान लो पहले वो फ्यूज लगाए जाते थे, कई बार फ्यूज नहीं उड़ा और वो हाई वोल्टेज कहां पहुंच गई, टीवी तक. और टीवी तक पहुंच गई तो क्या उड़ गया, टीवी उड़ गया. उड़ गया मतलब जल गया, और जल गया मतलब, तो जल गया क्यों बोल रहे हैं? जल गए का मतलब ये होता है कि जब किसी अप्लायंस में आप एक लिमिट से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर दो तो उसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट पास होगा, यही तो होगा. और एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट पास होने से एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी उसमें, और एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी तो उसमें कोई ना कोई कंपोनेंट उस हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो खराब हो जाएगा, हम बोलते हैं वो जल गया. ठीक है, तो यहां पर डायोड के जलने की बात करेंगे हम. ठीक है, डायोड जो है रिवर्स बायस में आप वोल्टेज उस पर लगाए जा रहे हो, ठीक है, वो सह रहा है, ठीक, वो सह रहा है, ठीक है, वो कोई उसमें लगभग नेग्लिजिबल करंट आपको फ्लो करवा के दे रहा है, जीरो, लगभग जीरो. लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज ऐसी आएगी, वी बी आर, ब्रेकडाउन वोल्टेज, एक वोल्टेज ऐसी आएगी वोल्टेज पर जाकर ये डायोड उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा, और अचानक से उसमें ये नीचे ग्राफ जाने का मतलब क्या हुआ, अचानक से किस चीज की वैल्यू बढ़ी, करंट, अचानक से सडनली जो है वो एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट उसमें फ्लो होता है. इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन ऑफ डायोड. क्लियर हो गया क्या? अब हमें ये जानना है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट कैसे फ्लो हुआ, कौन से चार्ज कैरियर यहां फ्लो हो रहे थे, माइनॉरिटी. अब माइनॉरिटी तो नंबर में बहुत कम थे, लेकिन यहां पर अगर अचानक से करंट फ्लो हो रहा है तो डेफिनेटली ये कुछ हुआ होगा कि हमें अचानक से बहुत सारे माइनॉरिटी कैरियर्स मिल गए होंगे जिससे बहुत सारा करंट फ्लो हुआ. इसी स्टेट को ब्रेकडाउन बोलते हैं. ठीक है, सिंपल. अब ये जो ब्रेकडाउन होता है ये दो तरीके का हो सकता है, आपका डायोड पर डिपेंड करता है कि अगर आपका डायोड लो डोप्ड है, कम डोपिंग वाला है, तो जो डायोड में ब्रेकडाउन होने का चांसेस होगा वो होगा एवलांश, उसको पूरा डिटेल में बताऊंगा. और अगर डायोड में डोपिंग क्या है, हाई है, ज्यादा डोपिंग है, तो कौन से टाइप का ब्रेकडाउन होगा, वो उस ब्रेकडाउन को बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन, जीनर ब्रेकडाउन. ठीक है, तो इन दोनों ब्रेकडाउन के बारे में हम लिखेंगे. तो पहले आप सिर्फ क्या करो, हाइडिंग डालिए और उसमें लिखिए ये वाले रीजन, बस इतना सा बना लीजिए, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है. दिस रीजन इज ब्रेकडाउन. ठीक है,
यहां लिखना चाहो तो एक इन शॉर्ट लिख सकते हो एक लाइन, आफ्टर ऐसा लिखिए एट ए पर्टिकुलर हाई आरबी वोल्टेज, एट ए पर्टिकुलर हाई आरबी रिवर्स बायस वोल्टेज, ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं यहां VBR, एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट फ्लो, ठीक है, इस स्टेट को ब्रेक डाउन हो जाना। इस स्टेट में जब एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा तो एक्सेस अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी, तो उस केस में हमारा डायोड अगर उसको कंट्रोल कर लिया गया तब तो डायोड सेफ रह सकता है, अगर कंट्रोल नहीं कर पाए तो फिर वो डायोड खराब हो जाएगा। हां बोलिए, कौन सी वोल्टेज? ई नी वोल्टेज। नी वोल्टेज यहां डिफाइंड नहीं है, नी वोल्टेज फॉरवर्ड बायस में डिफाइन की थी। नी वोल्टेज ये बनाया था ना, ये जो बैरियर बार बार क्या नाम दे रहे थे, बैरियर, बैरियर वोल्टेज के दो नाम और नहीं बताए थे, नहीं बताया, चलो अभी सुन लो। बैरियर वोल्टेज ये जो है इसके दो नाम और होते हैं, कट इन वोल्टेज और नी वोल्टेज। यार ये तो कोई भी बताइए, ये क्या है, ये नी नहीं है क्या? अरे इसकी शेप देखो ना कैसी है, ये नी नी जैसी है ना, तो इसलिए इसका नाम रखा जाता है नी वोल्टेज, ठीक है। वो नी नहीं है, वो शार्प नहीं है, ऐसा वो नी नहीं है, ठीक है। तो नी इसको नाम दे दिया, तो फिर इसको ये ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा ना, एट ए पर्टिकुलर लिख लीजिए फटाफट, एट ए पर्टिकुलर हाई आरबी वोल्टेज VBR एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट फ्लो, दिस स्टेट इज ब्रेक डाउन। आगे इसको अब सब लोग फटाफट से एक काम करेंगे, ऐसे दो पार्ट्स करेंगे, सबने कर्व बना लिया वो लिख लीजिए, एक लाइन ही लिखिए यार छोटी सी, नहीं आ गया जाएगा ये, इसके बाद जीनर में लिखिए सब, दो कॉलम ऐसे बनाकर दो पार्टीशन कर लीजिए और जीनर में लिखिए। मैं आपको इसकी वर्किंग लिखवा रहा हूं शॉर्ट में, ठीक है, तीन चार लाइनें इसकी, तीन चार लाइनें इसकी, खत्म, ठीक है। चलिए लिखिए, पार्टीशन करिए ऐसे दो, हाँ फैन ऑफ, ये इधर वाला हो गया, ठीक है, सही है, इतनी कोई गर्मी नहीं है, ठीक है। तो चलिए हाँ, जीनर ब्रेकडाउन में लिखते हैं, सब लोग लिखिए सिंसियरली, सब लोग सुनते रहिए, लिखते रहिए, जितनी चीजें बोली जा रही है आप मान के चलिए क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा, आप बस उनको याद रखेंगे, ठीक है। जीनर ब्रेकडाउन में लिखिए, लिखिए इसका, इसकी वर्किंग के बारे में लिखते हैं क्या है। डायोड्स लिखिए, डायोड्स in which doping is high, width of depletion layer is low, so limiting value of electric field at which bonds break limiting value of electric field at which bonds break can be achieved at comparatively low RB voltage, can be achieved at comparatively low RB voltage.
एंड नेक्स्ट सेल में लिखिए इफ, हाँ इसी में इफ वोल्टेज इज रिड्यूस्ड, इफ वोल्टेज इज रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट जंक्शन also reduced and diode remains safe. अब avalanche में लिखिए, फिर मैं समझाऊंगा इकट्ठा. avalanche diodes of low doping will have high width of depletion layer. So to get the E limiting ऐसा लिख सकते हो, इसके सबसेक्ट लगा सकते हो लिमिट, LIM, टू गेट ई लिमिटिंग कंपेरिटिवली हाई आरबी वोल्टेज इज रिक्वायर्ड. हाई आरबी वोल्टेज इज रिक्वायर्ड. Now, due to high voltage, electrons gain high kinetic energy. Electrons gain high kinetic energy also, and further breaks other covalent bonds, and chain reaction starts. And uncontrolled current and heat produced, and diode is permanently damaged. चलिए अब जीनर ब्रेकडाउन समझिए. इसमें जो लाइनें लिखी हैं उसी को रेफर करते हुए मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं. सुनिए, सबसे पहले देखिए क्या लिखा है जीनर में. हमारे पास दो पीएन क्रिस्टल थे, एक में मैंने डोपिंग क्या करी, ज्यादा. जीनर को समझ रहे. एक बात बताइए, जब रिवर्स बायस लगाएंगे जो जंक्शन पर सभी कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको फ्री करवाने के लिए, एक बात बताइए, जो ब्रेकडाउन हुआ था ये ड्यू टू हाई माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से हुआ था. माइनॉरिटी कैरियर्स कैसे आते हैं, टेम्परेचर से बॉन्ड टूटते हैं उससे आते हैं. लेकिन यहां टेम्परेचर तो हम बढ़ा नहीं रहे, हम यहां क्या बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं. अच्छा, वोल्टेज बढ़ाने से क्या होगा, जो जंक्शन पर प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है. लेकिन अब यहां पर देखिए, जो जीनर ब्रेकडाउन है ये किन लोगों में होगा, ये उन डायोड्स में होगा जिसमें डोपिंग हमने क्या करी है, ज्यादा. यही सवाल पूछेगा जो हमने लिखी है लाइन में, सबको अंडरलाइन करवा दूंगा. डोपिंग जिसमें ज्यादा हो, अब डोपिंग जिसमें ज्यादा होती है उसमें बताइए जो विड्थ होती है डिप्लेशन लेयर की, डी, वो कितनी होती है, कम हो जाती है कि ज्यादा हो जाती है, सबको याद होगा नहीं. तो इसमें मान लेते हैं जो डी जो है वो कितना है, 1 माइक्रोमीटर. और एवलांश में मैंने क्या लिखा इसी के साथ, देखो किन लोगों में होगा ये, जिसमें डोपिंग क्या है, कम. जिसमें डोपिंग कम है उसमें विड्थ क्या होगी, मान लेते हैं इसमें डी क्या है, 10 माइक्रोमीटर. क्लियर है. अच्छा, अब आगे क्या होगा, अब एक फॉर्मूला आप लोगों ने सुना होगा, वी बराबर ई डी है या नहीं.
अच्छा मैंने एक फिर बीच में एक वैल्यू लिखी, एक चीज लिखी है, लाइन लिखी है कि टू गेन द ई लिमिटिंग। ई लिमिटिंग क्या चीज है? ई लिमिटिंग के पहले जीनर वाले में मैंने इसको स्पेसिफाई भी किया जी, ई लिमिटिंग क्या चीज है? ई लिमिटिंग क्या है? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच बॉन्ड्स ब्रेक। अरे भैया ये जो आपका डायोड है, इस डायोड में पीएन जंक्शन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है, ठीक है? अगर आप ये कौन सा पी, ये एन, अगर आपने रिवर्स बायस लगाया तो यहां पर हाई वोल्टेज लगाया, यहां पर पूरा बता रहा हूं देख लेना। अच्छा इधर हाई, इधर लो, हाई से लो की तरफ क्या बनेगा? एक और बैटरी के कारण बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड और जंक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। ये जंक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से बनता है? डिप्लेशन लेयर में प्रेजेंट इमोबाइल आयंस की वजह से बनता है ना। क्या ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है? तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड को और स्ट्रॉन्ग करेगा? डिप्लेशन लेयर और वाइड होती है कि नहीं होती है? और वाइड होती है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल बैरियर दोनों बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बढ़ जाए जिससे क्या हो, यहां पर जो प्रेजेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्डेड, बॉन्डेड की बात कर रहा हूं, क्या उन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ही लगाएगा क्या? अरे लगाएगा ना, लेकिन उसको तोड़ नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि हमने वोल्टेज कम रखी थी। लेकिन आपने वोल्टेज इतनी बढ़ा दी है जिससे कि जो बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या कर रहा है, एक उतनी वैल्यू को अचीव कर पा रहा है जिससे वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ करके फ्री हो जाए। अब पढ़ो ई लिमिटिंग क्या है। ई लिमिटिंग समझ आया क्या है? ई लिमिटिंग क्या है? वो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है जब जाकर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को तोड़कर फ्री हो जाए, ठीक है? अब सुनिए, हमें वो ई लिमिटिंग, अब एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं ई लिमिटिंग कितना है। ई लिमिटिंग है 10^7, ठीक है? 10^7 वोल्ट पर मीटर पर जाकर बॉन्ड क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। तो जरा चेक करिए और मुझे बताइए कि यहां पर मुझे कितना वी लगाना पड़ेगा और यहां पर मुझे कितना वी लगाना पड़ेगा। चेक करें, करें ई कितना रखना, ई कितना बनाना है मुझे, 10^7। डी कितना है यहां पर? 10^-, अरे माइक्रो को बदलेंगे ना, बोल कितना आया, कितना आया? 10 वोल्ट। दिस इज योर ब्रेकडाउन वोल्टेज इन दिस जीनर केस। हुई अच्छा, यहां पर निकाल जरा कितना आया ई, ई कितना है लिमिट? अरे वही सिलिकॉन का डायोड है, जब सिलिकॉन के डायोड है एटॉमिक स्ट्रक्चर सेम है, सब कुछ सेम है, तो बोर्ड तोड़ने के लिए चाहिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगा ई लिमिटिंग, वो भी क्या होगा, सेम। अच्छा डी लेकिन यहां पर कितना है? डोपिंग कम करी थी ना, विड्थ ज्यादा थी ना, 10^10, बोल कितना आएगा, बोल कितना आएगा यहां पर, 100 वोल्ट। बता कौन से ब्रेकडाउन के लिए कम वोल्टेज चाहिए, कौन से के लिए ज्यादा चाहिए? चाहिए ना, किस कारण उसमें कम चाहिए? उसमें विड्थ कम थी, इस वजह से तो सारा खेल हुआ। आप देख लो ई तो दोनों के लिए सेम है, अच्छा इसलिए इसमें विड्थ क्या है, ज्यादा। तो यहां पर यही आगे वाली लाइनें पढ़ो ना, क्या लिखा है, ई लिमिटिंग उसमें कम है तो आगे क्या लिखा है उसमें, टू टू गेट द, एक मिनट देना, हाँ, सो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच बॉन्ड्स ब्रेक्स कैन बी अचीव्ड, क्या लिखा हुआ है, कैन बी अचीव्ड एट कंपैरेटिवली लो आरबी वोल्टेज। प्रूफ हो गया क्या? अब उसके बाद लो, इसमें मतलब 10 वोल्ट लगाएंगे तो हमारे बॉन्ड टूटने शुरू हो जाएंगे और अपना एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इसमें कितनी वोल्टेज लगानी पड़ जाएगी, 100 लगाएंगे तब हमारे बॉन्ड टूटेंगे। लेकिन इसमें एक और जो है रिस्की फैक्टर इन्वॉल्व हो गया, 10 वोल्ट से जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए उनको कितनी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी बताओ, 10 eV। भूल जाते हो यार, नहीं बताया था क्या, 10 वोल्ट लगाया फ्री हुए इलेक्ट्रॉन को कितनी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां कितनी मिलेगी, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जाकर, आगे पढ़ो क्या लिखा है, जाके दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड से टकराएगा, क्या करेगा, तोड़ देगा उस कोवेलेंट बॉन्ड को, कितने हो जाएंगे फ्री, 2। फिर उनको 100 मिली, दोनों को 100-100 मिली, वोल्टेज तो 100 लगा रखा है ना, वो जाकर आगे और 2 को तोड़ेंगे, क्या होगा, क्या हो जाएगा, 2 से कितने बनेंगे, 4। और ये अनकंट्रोल्ड प्रोसेस हो जाएगा और उसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ माइनॉरिटी सक्सेसिवली बढ़ते जा रहे हैं कि नहीं बढ़ते जा रहे। तो ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन में जब एक्सेस अमाउंट ऑफ माइनॉरिटी फ्लो होंगे, एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट बनेगी, तो डायोड क्या हो जाएगा, परमानेंटली डैमेज। और जेनर में क्या लिखा है, जेनर में अगर वोल्टेज घटा लोगे तो ई भी घट जाएगा, ई घट जाएगा तो हमारे कंट्रोल में रहेगा मामला, और यहां पर क्या हो जाएगा, खराब।
तो बोलो चार चीजें दिमाग में रखनी है। प्रोसेस सारा समझा दिया मैंने, लेकिन चार चीजें पता क्या, कि जीनर ब्रेकडाउन किन लोगों में होता है, जिनमें डोपिंग, जिनमें डिप्लेशन लेयर की विड्थ, वोल्टेज कम पर होता है कि ज्यादा पर होता है, कंपैरेटिवली कम वोल्टेज पर ब्रेकडाउन हो जाएगा जीनर, ठीक है, डायोड सेफ रहता है, खराब हो जाता है एवलांच में, खराब। व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ ब्रेकडाउन, ओनली हाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन, कोवेलेंट बॉन्ड्स का टूटना। और व्हाट इज द कॉज ऑफ एवलांच ब्रेकडाउन, दो कॉज, हाई कोवेलेंट बॉन्ड का टूटने के साथ साथ चैन रिएक्शन, चैन रिएक्शन का स्टार्ट हो जाना, समझ आया? तो क्या ये चार पॉइंट मेजरली नहीं आ रहे हैं? जहां जहां ये चार बातें आई हैं उनको अंडरलाइन कर लेना, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। डोपिंग जिनर में ज्यादा होती है, उस जिनर ब्रेकडाउन के लिए डोपिंग ज्यादा होगी, अगर जिनर ब्रेकडाउन हो रहा है उनमें होगा जिनमें डोपिंग ज्यादा होगी, जिनकी डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम होगी, कम वोल्टेज पर ब्रेकडाउन हो जाएगा। और कॉज ऑफ ब्रेकडाउन इज हाई इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, कोवेलेंट बॉन्ड का टूटना ओनली, लेकिन यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड के साथ साथ चैन रिएक्शन, डायोड इज सेफ, डायोड परमानेंटली डैमेज्ड। कर ली अंडरलाइन ये सारी बातें, और इसको लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, ये एग्जांपल लिख सकते हो, ये एग्जांपल से आराम से आपको एक बात क्लियर होती है। ई लिमिटिंग तो आपको लिखवा ही दिया, ई लिमिटिंग क्या चीज है, जिस फील्ड पर जाकर बॉन्ड टूटेंगे इसके लिए 10 लगाना पड़ेगा, उसके लिए 100 लगाना पड़ेगा, इस एग्जांपल को लिख लीजिए, ये आपका डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब जीनर ब्रेकडाउन पर बेस्ड, हाँ कोई डाउट पूछना है तो पूछ सकते हैं इसमें भाई, कुछ भी बात पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है, ये आपको पता ही है। डोपिंग ज्यादा करेंगे तो विड्थ क्या होगी, कम, कम विड्थ होगी तो उस केस में देख लो वी कितना चाहिए, ज्यादा विड्थ होगी तो उसके लिए ज्यादा वी चाहिए, ठीक है, लेकिन ज्यादा वी, ज्यादा वी के साथ ज्यादा काइनेटिक एनर्जी भी गेन हो जाएगी और चैन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, तो वो अनकंट्रोल्ड प्रोसेस हो जाएगा। चलिए इसको लिखिए यहां पर, एक जो आपका जीनर ब्रेकडाउन पर बेस्ड एक कंस्ट्रक्टिव यूज कर रहे हैं हम, जीनर ब्रेकडाउन का जीनर डायोड बनाकर, और जीनर डायोड में क्या है, क्या खास होना चाहिए, कोई बता सकता है? अगर हमें जीनर ब्रेकडाउन करवाना है तो हमें उस डायोड में क्या क्वालिटीज मेंटेन रखनी पड़ेगी, ड्रॉपिंग उसमें क्या करनी पड़ेगी, नॉर्मल डायोड से ज्यादा हाई करनी पड़ेगी, ताकि ब्रेकडाउन किस कैटेगरी में जाए, जीनर में, एवलांश में नहीं जाए, क्योंकि एवलांश में तो एक बार चला गया तो फिर वापस नहीं आएगा, समझ में आ रहा है ना, जेनर में वापस आ सकता है, सेफ रह सकता है। सो ठीक है, तो कैसे वोल्टेज को स्टेबलाइज करते हैं, इट इज यूज्ड एज अ वोल्टेज स्टेबलाइज, समझेंगे, ठीक है। तो चलिए ये लिख लिया सब लोगों ने, कंप्लीट कर लीजिए, ये बहुत अच्छा और एक फिक्स मेथड पर, फिक्स मेथड से होने वाला सवाल है, फिक्स मेथड, ठीक है, जो भी चीजें फिक्स मेथड से होती हैं वो हमारे लिए आसान होती है, क्योंकि उसमें वेरिएशंस नहीं है, सवाल आएगा तो ऐसे ही अटेम्प्ट होगा। अच्छा चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, अच्छा इतना लिख लीजिए सब पहले भाई, ये ग्राफ और ये इतना बस, ये सिम, अच्छा ये क्या है, ये जीनर डायोड का सिंबल है, ठीक है। अच्छा इसमें क्या है, जीनर डायोड में वही है, ये वाला साइड एन साइड पी है, एन साइड पे मैंने क्या लगाई है, हाई, एक बात पक्की है कि जीनर ब्रेकडाउन पर बेस्ड डिवाइस यूज कर रहे हैं तो उसमें वो बायसिंग कैसे करेंगे, हम रिवर्स करेंगे, ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। और उस केस में ये वाला कंप्लीट ग्राफ होता है रिवर्स बायस का, जब रिवर्स बायस का कर्व हमने बनाया था तो हमने ये वाला हिस्सा बनाया नहीं था, याद हो अगर आपको, ठीक है। अब हम ये हिस्सा बना रहे हैं क्योंकि हम स्टडी ही ब्रेकडाउन को कर रहे हैं,
ठीक है, ये कंप्लीट कर्व होता है, ठीक है। चलिए तो इसको मत बनाना भाई, इसको मत बना लिए तो कोई बात नहीं। एक बार सब लोग सुनिए, अब ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं यहां पर। हाँ, इस ग्राफ को देखकर हमको एक बात समझ आनी चाहिए, ये जो ग्राफ है वो क्या है, ये रिवर्स बायस वोल्टेज और करंट के बीच का कर्व है, और ये जो वोल्टेज है ये डायोड के टर्मिनल के अक्रॉस अप्लाइड वोल्टेज है या नहीं बताओ। ये जो वोल्टेज है हमने डायोड पे लगाई है, डायोड पे रिवर्स बायस वोल्टेज लगाई है, उस वोल्टेज को हम बढ़ाते जा रहे हैं, करंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है जब तक उसकी टॉलरेटिंग लिमिट तक है, लेकिन जब वो टॉलरेटिंग लिमिट क्रॉस करेगा क्या हो जाएगा, अचानक से करंट फ्लो हो जाएगा। क्यों होगा, क्या होगा, उसके अंदर क्या तामझाम चलेगा, सारा लिख लिया ना हमने पहले। हाई वोल्टेज से हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड टूटने से माइनॉरिटी फ्री होंगे और उससे एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट बनेगा। बोलो क्लियर है सारा। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसमें कि इस ग्राफ को देखकर एक बात समझ में आती है कि जो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज है वी, इस वीजेड पॉइंट को क्रॉस करने के बाद आपकी वोल्टेज अक्रॉस द डायोड जो रह रही है वो ऑलमोस्ट फिक्स रह रही है। वोल्टेज क्या इस ग्राफ में इधर बढ़ रही है क्या, और बढ़ रही है क्या, आप इस ग्राफ को देख के बताइए क्या वोल्टेज बढ़ रही है डायोड के क्रॉस पर, क्या इस वीजेड क्रॉस करने के बाद करंट कितना भी चाहे बढ़ पा रहा है क्या। यही पॉइंट है जो हम स्टेबलाइजर के लिए यूज कर लेते हैं, स्टेबलाइजर बनाने के लिए यूज कर लेते हैं। देखो ये मोटा मोटा भी ये है कि अगर आपने ये वीजेड का एक एग्जांपल लेते हैं, 15 वोल्ट लिया हुआ है यहां पे, 15 वोल्ट मतलब ये है कि अगर डायोड पे मैं 15 वोल्ट से कम लगाऊंगा, सुन लेना, तो ही केसेस होंगे, सवाल दूसरे केस पे आएगा, अभी मैं पहला बता रहा हूं। अगर डायोड पे रिवर्स बायस वोल्टेज बताना मुझे 15 से कम लगा रहा हूं, 10 लगा रहा हूं, बता 10 पे करंट कितना है। मैं इसको जीरो ही बोलता हूं, जीरो, आइडियली जीरो ही बोलते हैं। डायोड कैसा बिहेव कर रहा है, नॉर्मल रिवर्स बायस डायोड की तरह कर रहा है कि नहीं कर रहा, बस ये लाइन में लिखूंगा। यानी अगर आपके डायोड पे वोल्टेज 15 से कम आएगी, आपका एसी आप चला रहे हैं, आपने स्टेबलाइजर लगाया, आपका एसी सेंसिटिव है, 220 पे काम करता है, अगर 220 से ज्यादा आती है तो खराब हो सकता है, तो आपने स्टेबलाइजर लगा दिया कितने वोल्टेज का, 220 वोल्ट का। इसका मतलब यह हुआ कि 220 से कम आएगी उससे तो खराब नहीं होगा ना एसी, कम से खराब नहीं होगा, तो कम आएगी तो कम तो आएगी, जितनी आएगी उतनी रहेगी, 10 आएगी तो 10 ही रहेगी उस पे। लेकिन यानी बात क्या हुई, अगर 10 15 वोल्ट से कम आ रही है यहां पर, तब तो डायोड कैसा बिहेव कर रहा है, रिवर्स बायस, उसका कोई यूज नहीं है, नॉर्मल रिवर्स बायस डायोड की तरह काम कर रहा है, वो ओपन सर्किट की तरह हम उसको ट्रीट कर लेंगे, ठीक है। ये पहला पॉइंट है, पहला केस है। लेकिन अगर आपकी डायोड पे वोल्टेज पीछे से, मैं यहां 15 वाला एग्जांपल ले रखा है, 15 से क्या आ गई, ज्यादा, अगर 15 से ज्यादा वोल्टेज आ गई तो डायोड हो जाएगा एक्टिव, एक्टिव होने का मतलब क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। 15 वोल्ट से ज्यादा आती डायोड का क्या होने वाला है, ब्रेकडाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन होते ही वोल्टेज अक्रॉस द डायोड क्या 15 से बढ़ पाएगी, पर क्या करंट बढ़ सकता है। तो इस पर्टिकुलर केस में डायोड अपने अंदर से एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट भले ही कितना फ्लो करवा ले, लेकिन क्या नहीं बढ़ने देगा, कुछ भी हो जाए क्या नहीं बढ़ने देगा, वोल्टेज अक्रॉस द डायोड। अब अगर उसके अक्रॉस 15 वोल्ट मेंटेन होगी, हमारा अप्लायंस 15 लिमिट है, उसकी लिमिट क्या है 15, तो हम उस डायोड के अक्रॉस, डायोड के पैरेलल हमने ये क्या लगा रखा है अपना एसी, ये एसी यहां लगा रखा है, हमारा एसी कितने वोल्टेज पर खराब हो जाता है, 15 से ज्यादा पर खराब हो जाता है। लेकिन डायोड क्या करेगा, अगर डायोड की ब्रेकडाउन वोल्टेज कितनी है तो 15 से ज्यादा आने नहीं देगा। ये है इसकी वर्किंग। अब इसको करके देखते हैं, इस सवाल को कैसे करते हैं, दिस इज वोल्टेज स्टेबलाइजर सर्किट। आपको सवाल का यही आएगा क्योंकि ये सर्किट वोल्टेज स्टेबलाइजर सर्किट है ही, वोल्टेज स्टेबलाइजर सर्किट, स्पेलिंग देख लेना यार इसकी क्या होती है, ठीक है, स्टेबलाइजर ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, वोल्टेज स्टेबलाइजर सर्किट। वर्किंग देखते हैं, सब लोग ध्यान से देखना, मैंने दो एग्जांपल लिए, एक वोल्टेज पे ब्रेकडाउन होगा, दूसरी पर नहीं होगा। मैंने 20 वोल्ट लगाई और यहां पर ले लेते हैं 1/4 और 40, 60, 80, चलो ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, सब लोग देख रहे हैं, अरे यार हाँ ये सही, अब सही है, डायोड रिवर्स बायस्ड है,
अब एक बात समझना सब लोग, हमें इस क्वेश्चन को करना कैसे, पूरा इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस रेजिस्टेंस में, ये वाला रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं आरएल, इसको हम बोलते हैं आरएस, ठीक है। इस लोड में फ्लो होने वाले करंट को हम बोलते हैं आईएल, यहां फ्लो होने वाले करंट को बोलते हैं आईएस, और इसको क्या बोलना चाहिए सोचो, आईजेड। करंट्स के नाम पता लग गए, ठीक है। अब हमने कितनी वोल्टेज लगाई है पीछे, 20, ठीक है। अब जैसे मैंने पहले थोड़ी देर पहले कहा था, अगर आपकी वोल्टेज आ ही नहीं रही है 15, आई कितनी रही है, कम, तो डायोड कैसा बिहेव करेगा, डायोड कैसा बिहेव करेगा, रिवर्स बायस की तरह। तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना है कि इस लोड कितनी वोल्टेज आ रही है, क्योंकि जितनी लोड पे आ रही होगी उतनी डायोड को मिल रही होगी। चलो, तो हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है, स्टेप फर्स्ट, इस जीनर डायोड को इग्नोर करते हुए, इसको इग्नोर करते हुए इन दोनों वोल्टेज को बांटो। यहां पर अगर जीनर डायोड नहीं होगा, आप बताओ क्या यहां लगाई हुई वोल्टेज इन दोनों रेजिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट होगी, निकालनी आती है वोल्टेज। चलो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूं, ठीक है। ये वाला आरएस है, ये आरएल है, यहां कितनी लगाई, वी, यहां वीएल, ठीक है, वीएल निकाल रहा हूं, जरा देखना वीएल कैसे निकाल। सबसे पहले करंट निकाल लें, करंट निकाल लें, बोल करंट कितना होगा, करंट कितना होगा, वी बटे, जरा देख लेना सब लोग, वी बटे कितना, RS प्लस RL होगा कि नहीं होगा यार, ये टोटल करंट होगा क्या सर्किट में, और जो करंट आ गया करंट को इस RL से मल्टीप्लाई कर दें तो RL की वोल्टेज मिल जाएगी क्या, तो बोल VL कितना आएगा, VL कितना आएगा, V बटा RS प्लस RL इनटू RL, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, नहीं समझ आएगा, ये क्या है, ये है I, ये क्या है, बोल I इनटू RL इज द VL है या नहीं है। अब लेकिन हम ये नहीं करेंगे, स्किप कर देते हैं, हम इस चीज को ऐसे याद रखते हैं, जिस रेजिस्टेंस पे वोल्टेज निकालनी है उसको ऊपर नीचे टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज लिखा वही है मैंने, लेकिन इस ढंग से, इसको हम वोल्टेज डिवाइड करना बोलते हैं। अरे पता तो लग गया ना कैसे बनाया, वही किया है, लेकिन मैं इस तरीके से बोल रहा हूं, उसमें थोड़ा छोटा पड़ेगा आपको। चलिए वीएल निकाल लेते हैं, निकालें वीएल, बोलो कितना आएगा, आरएल कितना है, 250, नीचे कितना, 1000 है टोटल, इनटू V कितना लगाया मैंने, बोल कितना आया, 5 वोल्ट, केवल 5, मतलब ये है इस लोड पे कितनी वोल्टेज आ रही है, 5, डायोड कितने वोल्टेज का लगाया हुआ है हमने, 5 वोल्ट पर ब्रेकडाउन होगा। अब हम बोलेंगे कि ये 5 वोल्ट जेड से, तो हम यहां ब्रैकेट में क्या करेंगे, नो अकर, क्या सही बात बोल रहा हूं क्या, ब्रेकडाउन नहीं होगा तो डायोड कैसा बिहेव करेगा, नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करेगा, और नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करेगा तो फिर क्या करेंगे, क्या करेंगे, डायोड आई जेड का वैल्यू, सो आई जेड का वैल्यू बता सकता है कोई कितना होगा, बता सकता है कोई कितना होगा, अगर डायोड रिवर्स बायस है तो आई जेड पता कौन सा करंट है, बोल डायोड में कितना करंट पास होगा, आई जेड हो जाएगा 0, सबसे पहले ये पता चल गया आपने को, ठीक है। और अब बताइए क्या सर्किट को सोल्व कर सकते हैं, पूरा बचा क्या, ये बचा कि नहीं बचा, क्या इस सर्किट में बाकी करंट निकाल सकता है क्या कोई, 250 ओम, 750 ओम, ये कितना था, 20, बोल क्या आई एस और आई एल बराबर हो जाएंगे क्या, तो कितने कितने हो जाएंगे बता, 20 बाय टोटल कितना है, 1000, बोल कितना आया, 20 मिली। ये सवाल नहीं आएगा लेकिन, ठीक है, ये नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। चलो अब हम बात करते हैं मुद्दे की, सेकंड केस, हमें चाहिए कि जो यहां वोल्टेज आए वो 15 से क्या आए, ज्यादा। दूसरे केस की बात करते हैं, 80 वोल्ट लगा दिया, चलो निकालते हैं वीएल, निकाल सकते हैं अब तो समझ आ गया कैसे निकालना है, पता लग गया तरीका, वीएल मतलब कितना, आरएल बटा आरएल प्लस RS इंटू 80, इस बार 80 वोल्ट लगाई जा रही है, बोल कितना आएगा, 20 वोल्ट आ गया, मतलब अगर ये डायोड ना हो ना तो यहां कितनी आ जाएगी, लेकिन ये डायोड है, डायोड है और उस अपना काम करेगा, यहां 20 आएगी, यहां यानी डायोड को भी कितनी मिलने वाली है, 20 मिलने वाले, लेकिन क्या ये डायोड 20 होने देगा, दिस इज ग्रेटर देन VZ, क्या लिखूं बोल, सो
ब्रेकडाउन अकर्स, और ब्रेकडाउन हो जाएगा तो ये सिर्फ हमने क्या किया, चेक, ये चेक किया कि हाँ 20 आती अगर डायोड नहीं होता, लेकिन अब कितनी आएगी कोई बता सकता है? डायोड कितनी मेंटेन कर देगा? 15 मेंटेन कर देगा, यानी इस लोड को भी कितनी मिलने वाली है? सो वी एल, यहां पर मैं पॉइंट लिख रहा हूं, सो वी एल इज इक्वल्स टू वी जेड, वी एल कितना मेंटेन हो जाएगा? अब जैसे हमको पता लगा कि ये 15 इसको मिल गई, क्या आई एल निकल जाएगा क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर क्या निकलेगा? आई एल, बोल आई एल कितना आएगा? आई एल कैसे निकलेगा? वी जेड बटे आर एल करके, अरे लोड को कितनी वोल्टेज मिल रही है? 15, बोल 15 डिवाइड बाय 750 है ना वो, सॉरी अच्छा 250, अच्छा 750 वो वाला है, कितना हो गया बता? 15 बाय 250 कितना होगा? ये नीचे हजार बनाना सीखो ना यार, नीचे हजार कैसे बनेगा? नीचे हजार कैसे बनेगा? क्यों बनाऊं हजार बता? नीचे हजार क्यों बनाऊं? मिली बनाने के लिए। ऊपर कितना हो गया बता? 60/1000 हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब कितना हुआ, बोल समझ आया? ये मेरा आईएल आ गया। अच्छा अब बताना जरा, लगाई हुई 80 में से 15 इसको मिल रही है, कितनी बची? कितनी बची? V माइनस वी एल, 80 माइनस 50, 15 कितनी बची? 65 बची क्या? तो बता क्या आईएस निकल जाएगा? आईएस कैसे निकलेगा जरा बता? इसकी वोल्टेज पता है कितनी है? 65 है क्या? मैं पूरा फॉर्मूला लिख रहा हूं, वी माइनस वी एल डिवाइड बाय आर एस, 65 डिवाइड बाय आर एस कितना है जरा देख, 750 है क्या? अब इसको कैसे बनाए? 1000, बोल कैसे बनाए? 3000 बना दे, 3000 कैसे बनेगा? 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके बन गया कि नहीं बन गया? 3000 नीचे, ऊपर कितना है बता? ये 260 बाय 3000। अच्छा इसको जरा बताओ कितना बन गया? 3 8 24 3 6, यही हुआ ना 86.6 मिली एम्पियर। बोले बना कि नहीं बना? कर सकते हो क्या ये? ये बड़ी मुश्किल कैलकुलेशन होगी यहाँ पे यार। 65 बाय 750, ऊपर नीचे 4 से क्यों किया? क्योंकि मुझे नीचे 1000 चाहिए, बन गया क्या 1000? 3 को और उड़ा दिया, 3 को 260 से काट दिया, कितना आता है? 86.6 मिली एम्पियर हो गया कि नहीं हो गया? सवाल हो गया, पीछे से कितना करंट आ रहा है बता मुझे? 86.6 आ रहा है, इसमें कितना जा रहा है? इसमें कितना जा रहा है? 60, तो बचा हुआ IZ, IZ पता है कितना है? IZ क्या है? IZ है IS माइनस IL, है या नहीं है? तो 86.6 में से 60 कम हो गए, बचा कितना? अच्छा 26 क्या? 26.6 मिली एम्पीयर। थोड़ा सा कैलकुलेशन डेटा ऐसे हो गए, 4 हो गया क्या? 86.4 आ रहा है क्या? सही तो है यार। हाँ तो ये जो ये है ना, ये सवाल आपको पूछेगा, ठीक है? तो एक मिनट का टाइम हो तो बता दूं ये। अच्छा मुझे बताओ सबसे पहले क्या करेंगे हम सवाल को करने के लिए? VL निकालेंगे। VL निकालने का तरीका समझ आ गया? VL कैसे निकलता है? इससे, बस ये चेक करना है, VL अगर VZ से कम आता है तो आपका खेल ही खत्म, आपका डायोड ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं। कैसे सवाल को करोगे? जैसे पीएन जंक्शन वाले सवाल किए कि नहीं किए? डायोड रिवर्स बायस कर दो, ये देखो ये सवाल हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका VL, यार इसको ना थोड़ा अलग कर लेना, ये जो है ना, ये इस हिस्से का ये सवाल है ना, और इस हिस्से का ये, थोड़े से ये मिक्स हो गया, पता लग गया ना कौन कौन सा क्या है? इस फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन ये रहा आधा, और सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन ये रहा। फोटो क्लिक कर लेना, ढंग से कर लेना। और दूसरे पार्ट में क्या करा? 80 वोल्ट आई है तो हमने निकाला VL, निकाला VL कितना आ गया? 20, यहां 20 आ गया, लेकिन ये कितना ब्रेकडाउन वोल्टेज है? 15। अगर 20 15 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो फिर वोल्टेज कितनी मेंटेन हो जाएगी इस लोड को? 15 ही मेंटेन होगी। ये सिर्फ हम क्या कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं। यहां पर 20 आने का मतलब ये नहीं है कि लोड को कितनी मिली 20, लोड को कितनी मिलेगी? 15 मिलेगी, ये बात बस ध्यान रखना। लोड को मैंने क्या 15 वोल्ट दिए क्या? और लोड को 15 देकर क्या करंट निकाल सकते हैं?
लोड को 15 वोल्ट दी तो IL क्या आएगा, VZ बाय RL, 15/250, तो ये आ गया 60 मिली एम्पियर का करंट IL। और अगर 80 में से 15 यहां आ रही है तो बची कितनी, 65 यहां आ गई, 65 से ये वाला करंट निकाल लिया, देख लो 65 डिवाइड बाय 75 कर 750 करके ये करंट आ गया। ये कौन सा आ गया, IS आ गया, IS पता चल गया, IL पता लग गया, IS में से IL माइनस कर दो, IZ आ गया। तो ये फिक्स तरीका है, ये दो सवाल करें मैंने, एक नहीं करा भाई, समझ रहे हो, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों पैरेलली करें क्योंकि दोनों एक ही केस से लिंक। कोई बात नहीं, ये हो सकता लास्ट में आपको कम समझ आया हो, आप इसके दो सवाल मैं और करवाऊंगा आपको अगली क्लास में आते, खुद से, ठीक है ना, आपको खुद से करने के लिए दूंगा, अभी फिलहाल ये नोट जरूर कर लेना आप, ठीक है, चलिए ठीक है, अगली क्लास में इसके दो सवाल मैं आपको खुद से करने के लिए दूंगा।